24 और दिन भर की तमाम ताज़ातरीन खबरों के साथ मैं हूं दुबारा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। आबकारी विभाग ने शहर के गदरा बगान एरिया में मिनी शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। शराब माफिया मौके से फरार। 16 मई सुबह 6 बजे से कड़ाई से होगा लॉकडाउन का पालन, ई पास होगा अनिवार्य। और आदित्यपुर में एक निजी नर्सिंग होम में स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार सिविल सर्जन की टीम ने किया औचक निरीक्षण, संचालक ने जताई नाराजगी। जमशेदपुर के पुराना गदरा बगान एरिया में उत्पाद विभाग ने एक घर में छापेमारी कर नकली विदेशी मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। लाखों के नकली शराब बरामद किए हैं, साथ ही करीब 40 पेटी विदेशी नकली शराब बनाने वाली सामग्री, ढक्कन और 1000 खाली बोतलें भी बरामद किया है। वहीं शराब माफिया मौके से फरार हो गए हैं, जबकि उत्पाद विभाग उनकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नकली शराब के कारोबार चलने की सूचना मिली थी। तब गुप्त सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने कार्यवाही की और भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। बता दें कि मामला परसुड़ी थाना क्षेत्र का है। बताते चले कि बढ़ते कोरोना महामारी के मद्देनज़र जहां शहरवासी परेशान हैं, वहीं सरकार व प्रशासन भी हलकान है। वहीं आए दिन सोशल मीडिया पर कालाबाजारी जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनज़र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आदित्यपुर 2 में संचालित एक निजी नर्सिंग होम के पैकेज रेट को देखते हुए सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए थे, जिसके आलोक में सिविल सर्जन की टीम शनिवार को अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण करी। हम लोग ऐसे आज औचक निरीक्षण के लिए आए थे, औचक निरीक्षण के लिए आए है ना, मंत्री जी का मौखिक आदेश है। मंत्री जी का यही वर्षन था कि आप लोग उसको लूटने के लिए छोड़ दिए हैं, और ये शिकायत हम लोग को पहले से भी मैंने ये पता चलता था। तो हम लोग औचक निरीक्षण के लिए मंत्री जी खुद बोले, आप जाके देख लीजिए उसका क्या चार्जेज है, कैसे चार्ज कर रहा है, क्या है। तो हम लोग यहाँ उसी को जांच करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कोई भी दस्तावेज देने से मना कर दिया। नहीं थे क्या आरोप लगाया? क्या शिकायत? चार्जेज माने क्या चार्जेस लगाए? एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है और अनप शनाप चार्ज लिया जाता है, यही मंत्री जी का एकदम आदेश था। ये स्वास्थ्य मंत्री का? स्वास्थ्य मंत्री जी का। क्या जांच में क्या पाया? जांच में तो हम लोग को कोई दस्तावेज तो उस तरह का दिखाया नहीं गया, कोई चार्ज ये हुआ। और जो मरीज के परिजन उन लोग से भी हम लोग तो मिल नहीं सके, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलाया गया, हम लोग किसी से जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सके। आगे क्या किया जाएंगे? आगे जो भी है हम लोग अपना रिपोर्ट जो भी तैयार करके देंगे मंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि आज हमको शाम तक रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। हालांकि जब यह खबर अस्पताल के संचालक को मिली तो उन्होंने पैकेज रेट पर कई सवाल खड़े कर दिए, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सहित सिविल सर्जन पर अपनी नाराजगी भी जताई। आज लगभग 12 बजे मुझे सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि इस पैकेज रेट में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज का मतलब सब होता है, ऑल इन ऑल। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पत्राचार आज तक अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे पता चले कि पैकेज रेट क्या है। मैंने कमेटी के सदस्यों को कहा कि आपके पास जो सूचना उपलब्ध है या जो सूची उपलब्ध है कि पैकेज रेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाए,
उस पैकेज रेट का इलाज किस स्तर का, उसमें दवाइयाँ इस्तेमाल होगी, वो कौन सी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एक एंटीबायोटिक 3,500 का भी होता है, एक 400 का भी होता है। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6,000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा? और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया। जो लोग भी डॉक्टर ओपी आनंद को जानते हैं उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। मैं लिहाज कर गया वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूंगा। अब इससे ज़्यादा स्टेटमेंट क्या होगा, मंत्री को भी कूटूंगा। जांच कमेटी बनाने बैठा ओपी आनंद पर, कल तक टेम्पो चला रहा था, जो आदमी जांच जान बचा रहा है उसको तुम आ रहा है जांच करने के लिए। बहरहाल अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शहरवासी ऐसे अस्पतालों की शरण में जाकर कितना आर्थिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। वहीं चक्रधरपुर से एक चौंकाने वाली खबर मिल रही है। यहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी अनदेखी का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, इसी इस्तेमाल किए हुए किट को पहने एक व्यक्ति खुलेआम चक्रधरपुर के सड़कों पर नजर आ रहा है। यह व्यक्ति पूरे शहर में घूम रहा है। कई लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस भयावह कोरोना महामारी की स्थिति में ऐसी खबर आना चिंता का विषय है और प्रशासन की अनदेखी को बयां करता है। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गोबर गाँव तथा राजाबासा के लोगों के बीच मारपीट के मामले में गोबर गाँव के 3 युवकों को गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने जगन्नाथपुर थाने का घिराव किया। जी हां, बिजली तार खींचने को लेकर 12 मई को हुए झगड़े को लेकर शनिवार को गोबर गाँव के 3 युवक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने तीनों युवकों को झूठ बोलकर थाने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुरुवार को ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दोनों गाँव के बीच समझौता हो चुका है। SDPO इकुल डुगडुग ने ग्रामीणों से बात की और आश्वस्त किया कि निर्दोष व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के अंदर राजाबासा गांव के दोषियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SDPO ने कहा कि बिजली की समस्या का समाधान करा दिया गया है, लेकिन कानूनी कार्यवाही को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। गिरफ्तार किए गए 3 युवकों में से एक को छोड़ दिया गया और 2 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। द्वितीय पक्ष के लोग दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कहा गया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, विधि सम्मत कार्रवाई दूसरे पक्ष से की जा रही है, तो उन पर जो कार्रवाई कर रही है सही कर रही है, इसी से मेहनत नहीं कोई बात नहीं है। गांव के महिलाएं उन्हें तकनीकी बातों कानूनी बातों को बताना पड़ता है, वो कानूनी बात को समझ गए, उसके समझने को सकता है, जो भी उनके भी गिरफ्तारी होगी तो कोरोना की दूसरी लहर में सामुदायिक संक्रमण के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की मदद ली जा रही है। जिले में परंपरागत मानकी मुंडाओं की स्वशासन व्यवस्था कायम है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी व्यवस्था के जरिए प्रशासनिक अमला भी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाता है। वैश्विक महामारी कोरोना की विकट परिस्थिति को भी नियंत्रित करने के लिए इसी पारंपरिक स्वशासन मान की मुंडा व्यवस्था का सहारा पश्चिमी सिंहभूम जिले में लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, प्रभारी कोल्हान अधीक्षक सचिंद्र बड़ाइक एवं उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने कुछ इलाकों के मानकी और मुंडाओं के साथ बैठक कर योजना बनाई। विधायक श्री बिरुआ ने कहा कि गाँव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मानकी और मुंडाओं का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा।
चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को भी पारंपरिक तौर पर मानकी और मुंडा ही देखते हैं, इसीलिए लोगों तक मानकी और मुंडाओं के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। चाईबासा विधायक बीरवा ने कहा कि इलाके के मानकी के अधीन कई गांव आते हैं और वे संक्रमण के नियंत्रण में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रयास है कि ग्रामीण परिवेश में कोरोना नहीं फैले और यदि फैल भी गया तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ग्रामीण परिवेश में सभी लोगों का पहुंच सीधे तरीके से नहीं हो सकता है, तो जो यहाँ का जो सिस्टम है एम्बुलेंस सुप्रिंटेंडेंट मानकी मुंडा उनके माध्यम से प्रत्येक गांव में इसका मॉनिटरिंग सही ढंग से किया जा सकता है। इसी के लिए चूँकि भीड़ भाड़ कम हो यह सोच करके अनुमंडल वाइज मानकियों की बैठक होती है। ये बात सही है कि एक मानकी 7 से 15-20 गांव तक का रिप्रेजेंट करते हैं और उनके अंडर में 10 मुंडा कम से कम मिनिमम 10 मुंडा है। यदि ये लोग एक सप्ताह के अंदर में प्रत्येक 10-10 मुंडाओं की बैठक करके अपने अपने गांव में कोरोना की समीक्षा करेंगे कि वो यहाँ जहाँ जिनको सर्दी खांसी है, हाई फीवर है, किसी तरह की बीमारी है तो उसको दवा उपलब्ध कराया जाए और जो लोग बीमारी से ग्रसित नहीं है ऐसे सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए। एक अभियान के तहत में ये मानकी मुंडाओं को ग्रामीण परिवेश में मॉनिटरिंग के लिए और ये सारी चीज़ें फैली हुई है कि लोगों को मतलब दिग्भ्रमित हुआ है कि भाई इस तरह से ऐसा होगा एक रिमर जो है ये सारी चीज़ों पर विराम लगेगा। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर कमेटी ने एमजीएम अस्पताल में मोदी आहार का वितरण किया, साथ ही साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर भी इस कार्यक्रम के दौरान कई आरोप लगाए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर में रोजाना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज इसी कड़ी में कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और मरीजों के बीच मोदी आहार सैनिटाइजर पानी बोतल का वितरण किया गया। एम न्यूज़ 24 की टीम से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने बताया कि नर सेवा को नारायण सेवा की भावना को दिल में रखकर भाजपा जिला कमेटी रोजाना सेवा भाव में लगी है और आगे भी लगे रहेगी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। आइए देखते हैं अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ आशुतोष ओझा की यह खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर कमेटी के द्वारा रोजाना समाज हित में कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने समाज के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाते हुए एमजीएम अस्पताल में आज स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर और भोजन का वितरण किया गया है। आइए हम जिला अध्यक्ष गुंजन यादव जी से जानते हैं कि किस प्रेरणा से प्रेरित होकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आप बताइए क्या कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम जानते हैं। हम सेवा ही संगठन नर सेवा में नारायण सेवा के मूल मंत्र को देखते हुए अपने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के दिशा निर्देश में हम भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी आहार इस एमजीएम हॉस्पिटल में बांट रहे हैं, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी फैल रही है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इलाज कराने के लिए एमजीएम हॉस्पिटल आ रहे हैं तो उनको खाने में काफ़ी परेशानी आ रही है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोगों का यह छोटा सा प्रयास है कि हम लोग अभी निरंतर दोपहर को हेल्थ वर्कर्स, सपोर्टिव स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, एम्बुलेंस ड्राइवर और जो ज़रूरतमंद है जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको इसी स्थान पर अभी निरंतर हम लोग दोपहर 12:30 बजे हम लोग डेली यहां पर खाना और पानी बॉटल लेकर के आएंगे और वितरण करेंगे। ये सेवा है, सेवा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कल भी लौला स्कूल में आप लोग जाके वहां पर जिस तरह का कार्यक्रम किए, आज भी किए, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के जो स्वास्थ्य मंत्री है क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो काम होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। देखिए, कल भी हम लोगों ने लोयला स्कूल में जा करके मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, पानी बॉटल वितरण किया था। आज हम लोगों ने कदमा सेंटर में जा करके मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, पानी बॉटल का वितरण किया है। हम सेवा करने के लिए आए हैं, यह समय टीका टिप्पणी का नहीं है, यह समय सेवा के लिए है। हम सेवा के लिए आए हैं, हम टीका टिप्पणी करना नहीं जानते। और स्वास्थ्य मंत्री की जहाँ तक आप बात करते हो तो हमें अपने मुखारविंद से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जमशेदपुर की मीडिया में आ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री और उनके लोग सेवा कर रहे हैं कि कौन सा काम कर रहे हैं। आए दिन अखबारों में कुछ ना कुछ
छपता ही रहता है, जहां लोगों की मौत भी हो रही है। हम भगवान से कामना करते हैं कि कोविड से सभी लोग ठीक हो, महामारी है। मोदी जी ने कहा है दवाई भी और कड़ाई भी। यदि कांग्रेस ने शुरू में अफवाह नहीं फैलाई होती, यदि सभी लोग अभी वैक्सीन ले लिए रहते, तो हमें लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पूरा देश के जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हमारे झारखंड के जो बन्ना गुप्ता, उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी भयावह स्थिति पैदा कर दी थी, मतलब किस तरह का। अब देखिए, उन्होंने तो भाई साहब आपके मीडिया के चैनलों ने भी उनको पकड़ा, उन्होंने वैक्सीन लेने वाले को लैब रैट की संज्ञा दे दी। हमेशा जो शब्द है ना, काफ़ी संयमित होना चाहिए। आप एक उच्च दायित्व पर हैं। मैं बन्ना गुप्ता जी से आग्रह करना चाहता हूँ, बन्ना गुप्ता जी आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य की पूरी बागडोर आपके हाथों में है, अपनी भाषा को संयमित रखें और जनता की सेवा करें। जनता सरकार की ओर देख रही है, आपको जनता ने चुना है, आपको मौका मिला है, आप सेवा करिए, ना कि इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके अफवाह फैलाना, यह अच्छी बात नहीं। क्या मान रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग फेलियर है, तो भाजपा जिला कमेटी जो है अब कमान अपने हाथों में ले लिया है जमशेदपुर के स्वास्थ्य विभाग को ठीक। देखिए, मैंने पहले भी कहा भाई साहब, ये समय टीका टिप्पणी का नहीं है, यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, यह समय है सेवा का। हम सेवा करने के लिए आए हैं, आगे भी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जुंदन यादव जी ने किस तरह से टिप्पणी रखी। हालांकि आपदा में अवसर खोजते हुए जिस तरह की जो टीका टिप्पणी कुछ दिनों से जमशेदपुर में हो रही है कांग्रेसी और भाजपा के द्वारा, उसको लेकर जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ये समय जो है टीका टिप्पणी का नहीं है और सेवा भाव का है, और हम इसी तरह से हमेशा सेवा करते रहेंगे। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ में आशुतोष, एएम न्यूज 24 जमशेदपुर। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रभाव देश के हर क्षेत्र में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके बाद भी आए दिन किसी न किसी क्षेत्र से मौत की खबरें भी सुर्खियों में हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का निधन कोलकाता के मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गया, जिसकी सूचना अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर आलोक राय ने दी। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनज़र 16 मई से 30 मई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर विधायक संजीव सरदार ने संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के सुपुर्द एक एम्बुलेंस किया, ताकि सही समय पर मरीजों को निःशुल्क अस्पताल पहुँचाया जा सके। कि COVID-19 का सेकेंड फेज को देखते हुए हम लोग विधायक जी से मांग किए थे कि हम लोग का इस कोट का विधानसभा क्षेत्र में परसुड़ी जो भी है बागबेड़ा, यहाँ एम्बुलेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोविड पेशेंट को ले जाने के लिए कोई आता नहीं है। तो विधायक ने हम लोग को बोला कि मेरे पास एक एम्बुलेंस है, तो विधायक ने हम लोग को एक एम्बुलेंस आज दिया। इस क्षेत्र में और इस अगल बगल के और जितने विभिन्न क्षेत्र में जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनको अब हम लोग इसी एम्बुलेंस के थ्रू सेवा देंगे निःशुल्क। ये पीपी किट फुल सेफ्टी हम लोग देखते हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपी किट, ड्राइवर के साथ गार्ड लगाते हुए सारा स्ट्रेचर व्रेचर सब अवेलेबल है। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा वैक्सीन केंद्र में वैक्सीन लेने के लिए आए हुए लोगों के बीच सेवा कार्य चलाया गया, जिसमें पानी बोतल, सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स बांटा गया। इस सेवा भावना को देखते हुए वहां उपस्थित लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि सेवा ही संगठन है की भावना रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच सेवा कार्य किया है और इसे आगे जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और युवाओं युवतियों को जो वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन सेंटर पर आए हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सैनिटाइजर, शुद्ध पेयजल का बॉटल और मास्क एंड हैंड ग्लव हम लोग वितरण करके उन्हें टीकाकरण के लिए उत्साहित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वितरण के माध्यम से हम जन जागरूकता अभियान भी फैला रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक युवा निबंधन कराकर, रजिस्ट्रेशन कराकर ये कोविड का वैक्सीन ले। वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है,
आत्मनिर्भर भारत की वैक्सीन है और मोदी जी ने इसे इस वैक्सीन को हर युवाओं को लगाने का संकल्प लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से नर सेवा में नारायण सेवा को देखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एम न्यूज़ 24 बार खबर की।